द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो इज़ दैट एक ऐसी माँ की कहानी है जो लड़की की माँ भी है और लड़की का बाप भी है, और किस तरह से वो ये और वो उसकी रियल माँ नहीं है, तो किस तरह से वो उस लड़की की लाइफ में खुशियाँ लाती है, किस तरह से उस लड़की को नर्चर करती है, उनके रिलेशनशिप को नर्चर करके कैसे उस बॉन्ड को मेंटेन करती है, और ये एक बच्ची की भी कहानी है जो जिसने सिर्फ अपनी माँ को देखा है, जिसने अपने बाप को कभी देखा नहीं है, और वो जो बच्ची है वो अपने बाप को ढूंढना चाहती है, और वो जो उसकी इमोशनल जर्नी है बच्ची की, शो इसी के बारे में है, और उस शो का हम हिस्सा हैं। मेरा किरदार दीप मल्होत्रा का है। सो ये एक ऐसा किरदार है जो यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के बीच का एक ब्रिज है, और कहानी में ज़्यादातर टीवी सीरियल्स में ड्रामा लोग देखना पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छा ड्रामा क्रिएट होता है स्टोरी को लेकर के, और उस ड्रामा को बैलेंस करने के लिए एक फन एलिमेंट या एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव चीज़ की भी ज़रूरत होती है, तो मेरा किरदार उस ड्रामा को बैलेंस आउट करता है स्टोरी में। आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ कामना मल्होत्रा इन बहुत प्यार करते हैं, और शो की जैसे सर ने बात की, बहुत ही प्यारा शो है। मैंने जब पहली बार सुना था तो एज अ वुमन मैं कनेक्ट कर सकी थी इस शो से, क्योंकि हम आसपास अपनी सोसाइटी में ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी कहानियाँ सुनते हैं ज़रूर, इट्स अबाउट दिस गर्ल हु हैज़ अ लिटिल चाइल्ड और कैसे उसकी शादी एक सुपरस्टार से हो जाती है, एक सिंपल लड़की एंड शी इज़ मैरिंग अ सुपरस्टार एंड शी इज़ हैविंग अ लिटिल बेबी। और मेरा कैरेक्टर है कामना मल्होत्रा का, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है, और नेगेटिव कैरेक्टर मुझे करने में, क्योंकि लोग हर बार ये पूछते हैं कि मुझे डर लगा या मुझे हेट कमेंट से डर नहीं लगता, तो मुझे नहीं लगता डर, क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिव कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक शो में, जितना एक पॉजिटिव कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो और मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लगता है ऑडियंस को मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में देखना बहुत पसंद है, और मेरे कैरेक्टर की यही खूबी है कि शी इज़ प्लेइंग अ स्टेप आंट, लेकिन इसका भी जस्टिफिकेशन क्रिएटर्स ने और राइटर्स ने बहुत खूबी से दिया था मुझे, जब मैंने पूछा था कि वो क्या उसको एज दिखाया है या उनको बड़ी दिखाया है, क्योंकि वो दो लड़कों की माँ है, तो मैं क्यों हूँ स्टेप मदर और स्टेप मासी, या मैं क्यों कामना मल्होत्रा हूँ, कैसे मैं इनकी फैमिली में आई, जब आप ये शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा और सारा जस्टिफिकेशन होगा। मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि टीवी में, मुझे लगता है यू नो वी रूल द टीवी इंडस्ट्री, वुमन रूल द टीवी इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं टीवी में जो कि इतना आसान नहीं होता मूवी तक पहुंचाना, क्योंकि मूवी का टाइम स्पैन बहुत कम होता है, दो ढाई घंटे में तीन घंटे में ख़त्म करना होता। आई एम वेरी मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि मूवीज़ में भी अब ये हो गया है कि वुमेन ओरिएंटेड मूवीज़ बन रही हैं और दिखाया जा रहा है उनके कैरेक्टर को, जो कि पहले नहीं होता था, सो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग एंड Yeah, it's beautiful. Yeah.